गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बड़े होंगे, बड़े रहना है। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है डे टू इन मैक्लोडगंज, ठीक है? या लेट हो गया मैं उठने में? वो होता ना जब आप अकेले होते हो ना, कोई टाइमिंग कुछ नहीं होता, स्केड्यूल नहीं होता प्रॉपर, ठीक है? तो आज मौसम बहुत अच्छा है, कल से भी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्लाउड्स है ना, जो क्लाउड्स नीचे आ गए हैं, फाइनली दे आर डाउन, ठीक है? तो आपको दिखाता हूँ अभी। और अभी यहाँ से मेरा प्लान ये है, मैंने होटल वाले भैया को कह दिया कि गाड़ी मैं यहीं पे पार्क कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी जाऊँगा दलाई लामा जो टेम्पल है यहाँ पे, एंड थोड़ा मॉल रोड घूमूंगा, उसके बाद देखते हैं यार कहाँ कहाँ जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग इंजॉय करो। गाइस आप देख सकते हैं क्लाउड्स बिल्कुल नीचे आ चुके हैं यार, बस बारिश ना आए, ठीक है? बिल्कुल नीचे। और वहाँ पे है भागसूना, तो अभी वहाँ भी जाना है मैंने, ठीक है? वहाँ पे आपको पता ही होगा, जनरली जो लोग यहाँ पे मैक्लोडगंज आए हैं, वहाँ पे वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल है। टिकट पूरी खुल चुकी है एंड आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यार, सीरियसली यहाँ पे ज़्यादातर ना एंटीक चीज़ों का लग रहा है मेरे को, मतलब जो एंटीक होती है ना तिब्बतन, बिकॉज यहाँ पे बुद्धिज्म का ही है मेन। अभी मैं ट्रॉली से जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे शुरू हुई है, तो अभी मैं राउंड ट्रिप मारूंगा जस्ट टू मेक यू सी कि हाउ इट्स लाइक। ट्रॉली से जाएंगे, मुझे पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, एंड इट्स अ राउंड ट्रिप, तो मेरे 450 रुपये लगे हैं। इसी गाड़ी में हम, इसी मतलब कैबिन में वापस आ जाएंगे, देखते हैं क्या क्या नज़ारे हैं। जा रहा है, बहुत डर भी बहुत लग रहा है यार, सी द व्यू यार, सी द व्यू। और अभी नीचे ही नीचे जाना है और मैं अकेला पूरे कैबिन में, भाई साहब ब्यूटीफुल जिसको कहेंगे, सीरियसली यार ये देखो भाई व्यू है ना, बढ़िया एकदम झक्कास, सी द व्यू यार। अब अभी तो और नीचे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यार, बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, आप देख सकते हो यार डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कैबिन है। आई एम इन द ग्रीन कैबिन, अभी जो आगे से आ रहे हो वो भी ग्रीन है, पर जो मेरे आगे जा रहा है वो येलो, तो सही है यार, ग्रेट। ये देखो यार, अभी तो हम थोड़ा आई गेस नीचे उतरने ही वाले हैं, हाइट पे हम काफ़ी थे भाई साहब पहले, और मेरे पीछे भी आ रहे होंगे, पीछे भी मुड़ नहीं रहा। और वन मोर थिंग यार, अब पता नहीं हवा आ रही है मस्त, हाँ हवा मस्त चल रही है, मुझे लग रहा था एसी ऑन हो गया, बट एसी इसमें। ये देखो अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे, और नीचे आपको दिख रहा है ग्रे कलर का जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ तक है, फिर वहाँ से फिर राउंड ट्रिप हो जाएगा अपना। और दिस इज मैक्लोडगंज, आई गेस ये धर्मशाला है, पता नहीं क्या है, धर्मशाला पहुँच गए, मेरे को तो एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि हमें तो ऊपर ही जाना है वापस, ठीक है? ये देखो भाई साहब आप नज़ारे देखो आप लोग, लोकेशन पे बस पहुँचने वाले हैं। काफ़ी अच्छा रहा यार, अलग एक्सपीरियंस रहा, डर भी लग रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, डर लगा भाई, लगा डर इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि मैं अकेला हूँ, शायद अगर कोई दोस्त वगैरह कोई साथ होता तो डेफिनेटली बातें करते हुए टाइम निकल जाता, बट यार बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ देखे मैंने अभी, और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करी। अभी हम फिर से जाएंगे यार, ऊपर जाएंगे, और अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कैमरा पकड़ने की, वापसी का सफर की टेंशन हो रही है, बट कोई बात नहीं यार, चले गए हैं राउंड ट्रिप पे, काफी लोग आ गए अपने साथ। कम बात इसलिए करी क्योंकि मेरे साथ और लोग भी आ गए थे, ठीक है? जब आप उस साइड जाते हो ना नीचे, तब थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ऊपर आते हुए कोई डर नहीं लगता,
इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। आई होप सो आप लोगों ने भी इंजॉय करा होगा। अभी जा रहे हैं टेम्पल की तरफ। तो एक और अपडेट दे देता हूँ, ये है टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे जाना है अभी मोनेस्ट्री, तो यहाँ की मेन मोनेस्ट्री है। और हिमाचल में फिर से मास्क कंपलसरी कर दिए गए हैं पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है। बिना मास्क के अलाउड नहीं अंदर। तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। अभी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है तेज, बट डेफिनेटली हम देखेंगे। और देखो अभी मैं वहाँ गया था उस केबिन में, स्काईलाइन में, ये आ रही है वापस। तो बस अभी टेम्पल की तरफ जा रहा हूँ, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। एंट्री कर ली है, यहाँ से करी है, अभी नमाज की कोई एंट्री नहीं आ रही है। तो जाएंगे अभी, और यहाँ पे भी शॉप्स वगैरह हैं, यहाँ से अंदर जाओ। टेम्पल है वो है सेकंड फ्लोर पे, तो अभी चेकिंग हुई थी, ठीक है। देखो क्लाउड्स बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, एंड अभी मैंने आपको टेम्पल का थोड़ी सी झलक दिखाई, बिकॉज कैमरा वाज नॉट अलाउड इनसाइड। पर यार ये देखो, अब क्या हुआ, बारिश तेज हो चुकी है, तो मुझे यहीं पे वेट करनी पड़ेगी। तो मैं आगे जाने का प्लान कर रहा था, बागसू जो फेमस वाटरफॉल है, मैं वहाँ पे जाने की कर रहा था प्लानिंग। और मेरी गाड़ी खड़ी है होटल पे, तो अभी देखता हूँ यहाँ से होटल तक कैसे जाऊँगा, ठीक है। बारिश बहुत तेज़ हो गई है, ठीक है। आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा और भी। बाकी यार टेंपल बढ़िया था, ठीक है, मज़ा आ गया। और देखते हैं क्या होता है आगे आज के दिन, क्योंकि बारिश जब आ जाती है ना तो थोड़ा रिस्की हो जाता है भाई। हो थोड़ी कम हो गई है, इसलिए मैं सोचा यार निकलने में ही फ़ायदा है, पता नहीं कब ज़्यादा तेज़ हो जाए। होटल में आ गया था, ठीक है। बस अब गाड़ी यहाँ से अपने उठाऊंगा और बागसू वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। थोड़ी बारिश कम हो गई है, वेदर खुल चुका है, एंड मोर ओवर मैं भी होटल में आया था, कपड़े वगैरह चेंज करे यहाँ पे, बस गिले हो गए थे ना क्योंकि, ठीक है। अब आगे निकलते हैं। गाइस आगे से ना यहाँ पे क्या है, जब भी आप धर्मशाला आओ तो यहाँ पे ना टू वेज है, ठीक है। जाने का एक दूसरा रास्ता है जहाँ से अभी मैं जाऊँगा, आने का दूसरा, क्योंकि कंजेस्टेड है। आपने कल देखा ही होगा जब मैं आ रहा था, मैंने थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाए थे, तो वो ये साहब है, वन कार एट अ टाइम, ठीक है। तो अभी मैं राइट हो जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि पहले मैं आया यहाँ से था सीधा, जो आप देख सकते हैं, बट ये वन वे है। अब यहाँ से हम हो जाएंगे राइट, आप देख सकते हैं यहाँ नो एंट्री का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अब यहाँ से हम लेंगे राइट, फिर हम लेंगे लेफ्ट। अक्सुनाथ के लिए अब यहाँ से हो जाऊँगा मैं राइट। तो ये है मेन चौक जो आपको मैंने दिखाया भी था लास्ट नाइट, लास्ट ब्लॉग में भी। बहुत ट्रैफिक है भाई, बहुत ट्रैफिक है, क्योंकि हम पार्किंग लगा दी है यहाँ से आगे, अभी गाड़ी नहीं जाती, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये वही स्पॉट है जहाँ पे लास्ट ईयर बादल फटा था, आप सबने शायद वीडियो देखी होगी वो वाली। और यहाँ से पार्किंग का प्राइस है ओनली 50 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ से वॉक करके जाऊँगा, आपको दिखाता हूँ कि कितनी दूर है और कैसा है। बाकी अब यहाँ से पार्किंग का व्यू देखो और यहाँ से वैली का व्यू देखो यार। भी काफ़ी कैफे हैं, ढाबे हैं, आप लोग खाना लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर कर सकते हैं। अब आएगा मंदिर आगे, ठीक है, बागसूनाथ मंदिर। ये देख सकते हैं बागसू मंदिर, वो ऊपर था, ठीक है, जो भी आपको दिखाया। और ये यहाँ पे सेम पूल काइंड ऑफ अ स्विमिंग पूल, सारे नहा रहे हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं, ग्रेट। और अभी हम जाएंगे वाटरफॉल की तरफ यहाँ से ऊपर। गाइस अभी मैं एक कैफ़े में बैठा था यार, सीरियसली वहाँ पे मैं वीडियो ज़्यादा इसलिए नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी लोग थे यार, थोड़ा हो जाता है, थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न फैमिलीज वगैरह थी। लेकिन यार बहुत ही मज़े आ रहे हैं यार यहाँ पे, ठीक है। और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, थोड़ी थोड़ी बारिश अभी स्टार्ट होने लगा। उसके बाद जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा मैं,
मैं कहाँ जाऊँ, घर पे जाऊँ नहीं यार, कोई और जगह जाएंगे ठीक है। और बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, एक बार व्यू आप फिर से देखो यार, फिर मैं एक और कैफे में बैठूंगा कुछ खाऊंगा यार, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी है यार। एक कैफे में आ गया हूँ मैं, यहाँ से व्यू देखो यार, पूरा व्यू दिख रहा है सीरियसली ब्यूटीफुल। तो गाइस बागसुना से आ गया हूँ ठीक है, खाना वगैरह खा लिया है, शाम हो चुकी है। अब यार समझ नहीं आ रहा कि यहीं पे रुकूं या आगे जाऊं। होटल मैंने एक ही दिन के लिए लिया था, बट मैंने उससे बात तो कर ली थी, देखता हूँ यार कहीं तो कुछ तो करता हूँ, लेट्स सी। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय करा होगा यार जो भी है थोड़ा बहुत। बाकी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है यार, यहाँ पर भी लोग ना ऊपर जा रहे हैं, पर रात को कहते हैं आफ्टर 6 टूरिस्ट आर नॉट अलाउड ठीक है। तो बस यही है अभी का अपडेट। अभी टाइम हो चुका है 5 बज गए ठीक है। तो गाइस पार्किंग में आ गया हूँ, गाड़ी में बैठ चुका हूँ, बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ। या मेरा प्लान ये बना है कि अब यहाँ नहीं, एक्चुअली कल ऑफिस का भी एक काम आ गया है ज़्यादा ज़रूरी, तो मैं निकल रहा हूँ नीचे की तरफ, देखता हूँ आज कहाँ स्टे करूँगा, आपको अपडेट देंगे। तो बस अभी तो ये है कि यहाँ से हम निकल रहे हैं। सो गाइस जैसे ही नीचे उतर ही जा रहा हूँ, मौसम एकदम गर्मी वाला माहौल बनी जा रहा है। वैसे गर्मी तो है नहीं, शाम हो चुकी है, ऐसे रात हो गई है एक तरह से, बट स्टिल देखो यहाँ पे बारिश का कोई नामो निशान नहीं, और वहाँ पे क्लाउड्स ही नीचे आ गए थे, अब हम खुद ही नीचे आ गए, क्लाउड्स ऊपर चले गए हैं।